तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सेल वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग से, और हम माइक्रो प्रोग्रामिंग की बेसिक माइक्रो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हमारे पास चार ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे अपना लाइन प्रोग्राम का लाइन स्टार्ट कर सके। ठीक है, चार ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे हम अपनी प्रोग्राम के लाइन को स्टार्ट कर सके। फिर मैं इंसर्ट करता हूँ मॉड्यूल। हाँ, जैसे कि हम सब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट डिफाइन करने के बाद अगर हम कोई माइक्रो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखना है, वो लिखना आपके डिपेंड करता है एल्गोरिथम के ऊपर। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम चार चीजें लिख सकते हैं। पहला एशन, दूसरा वर्क, तीसरा शीर्ष और चौथा रेंज। अभी क्या है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपका पहला वर्ड क्या होता है? पहला वर्ड नाउन या प्रनाउन होता है क्या? मोस्टली हर केसेस में तो नहीं, लेकिन मोस्टली में नाउन या प्रनाउन सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से हम वीवीए लैंग्वेज के जरिए अगर हम एक्सेल के कोई आदेश देना चाहते हैं, कोई ऑर्डर का या कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, उस सेंटेंस का पहला वर्ड इन में चारों में से एक होगा। क्योंकि हम वीवीए प्रोग्रामिंग या वीवीए लैंग्वेज सीख रहे, क्या सीख रहे, क्योंकि हम एक्सेल के साथ कम्युनिकेट कर सके, हम एक्सेल में अपने जो काम हम करवाना चाहते हैं उसको हम लाइन अप कोड के जरिए डालें और वीवीए को रीड करके उस काम को कर दे। राइट, तो हमें यहाँ कन्वर्ट करना है इंग्लिश लैंग्वेज को वीवीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। राइट, तो एक तरह से ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन की तरह इसको समझे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक चीजों के बारे में कि अगर हम बेसिक एक्सेल की बात करें तो उसको हम वीवीए के थ्रू कैसे करवाएं। तो बेसिक एक्सेल में क्या होता है, तो हम वर्कबुक की बात कर रहे हैं तो हम फाइल के ऊपर फाइल को ऐड करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, क्या ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यही सब चीजें करते हैं ना सर मैम। तो चलिए उन चीजों को हम कैसे करें वीवीए कोड के जरिए। जैसे मुझे अगर नई फाइल ओपन करनी है, मेरा सेंटेंस है क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे वर्कबुक। हमने वर्कबुक क्यों लिखा, क्योंकि जो हम काम करना चाहते हैं वो हमारे वर्कबुक को इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस होता था ना, टेंस होता, सॉरी टेंस, काल, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसी तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि इन चारों में से कौन सा लेना है वो डिपेंड करता है कि आप जो करना चाहते हैं वो आखिर किसको इफेक्ट कर रहा है। तो हमने बोला क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, तो वर्कबुक को इफेक्ट कर रहा है, वर्कबुक एप्लीकेशन को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर फाइल को नहीं। इसलिए हम सीधे लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट एड, सॉरी वर्कबुक्स डॉट एड। एक कंट्रोल एल से नई फाइल खुल जाएगी। अब बात होती है कि फाइल को सेव करना, ये भी वर्कबुक को इफेक्ट करता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर वर्कबुक, क्योंकि फाइल सेव तो कोई पर्टिकुलर वर्कबुक ही सेव होगा ना। तो वहां पे, यहाँ पे लिखते हैं वर्कबुक्स और यहाँ पे बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट सेव, सेव एज, और फिर यहाँ पे पाथ, जैसे कि डी ड्राइव में 2019 के फोल्डर के अंदर में 123.xlsx के नाम से सेव। ठीक है, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो फाइल क्रिएट हुई है उसी फाइल को सेव करना है तो क्या सही होगा? जैसे वर्कबुक ऐड किया तो फाइल क्रिएट हुई है ना।
तो यहाँ पे गलत होगा, क्यों? क्योंकि हर बार हमारा फाइल बुक वन ऐड नहीं होगा। अच्छा हाँ ठीक है, कि एवरी टाइम मेरा फाइल वर्कबुक ऐड नहीं होगा, तो उस केस में क्या करें? तो ऐड और सेव एज दोनों साथ में करेंगे ना। हाँ नहीं, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमारा जो फाइल ऐड होता है वही एक्टिवेट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और हम अपना पाथ दे दें। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो फाइल क्लोज हुए एक्टिव मतलब कि क्रिएट हुआ वो एक्टिवेट होता है, जैसे कि कंट्रोल एन आप करते हैं तो आपके सामने वही फाइल होता है जो फाइल क्रिएटेड होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और अपना पाथ दे देंगे। लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर नाम का एक फाइल क्रिएट करना है। मुझे क्या करना है कि मुझे डी एक नई फाइल क्रिएट करनी है 1 2 3 के नाम से डी ड्राइव में। तो आपको एक साथ ही करना है, आपका ये फिक्स है कि भाई जो क्रिएट मतलब सेव कर किया हो क्रिएट करना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेव एज, और फिर यहाँ पे आप पाथ दे सकते हैं। समझ गए? डी ड्राइव स्लैश सॉरी स्लैश 1019 स्लैश 123.xlsx, जो भी पाथ आपका है, राइट? तो ये हुआ कि हमें वर्कबुक ऐड करना है, हम बाद में डिसाइड कर रहे हैं कि सेव करना है। हमारा पहले ऐड करने से पहले डिसाइड है कि भाई उसको ऐड करके सेव ही करना है। कभी कभी क्या करते हैं, वो टेम्पररी फाइल ले लेते हैं ना, टेम्प फाइल जो सेव करने की नहीं होती है, तो उस केस में हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। हमने ले लिया, बाद में डिसाइड है सेव करना तो हम सेव कर कोड डालेंगे, पहले डिसाइड है तो कोड डालेंगे। तो वर्कबुक को ऐड करना और सेव एज करना, समझ में आ गया? तो ये थर्ड वाला कब हम करेंगे, वर्कबुक बुक वन सेव एज वाला? ये जब आपको किसी एक पर्टिकुलर फाइल जो ओपन है उसको सेव एज करना है। अच्छा, मतलब कोई भी फाइल रहे, बुक टू बुक हाँ थ्री रहे, तो यहाँ पे बुक वन बुक हाँ करके हमें सेव पर्टिकुलर, एज हाँ करना। पर्टिकुलर फाइल जो एक्टिवेट होना चाहिए आपके सिस्टम पे। ओके उसके बाद अब बात करते हैं कि जब हम फाइल को जस्ट फाइल को अब यहाँ पे देखिए कि तो हम फाइल को अगर हम बुक यहाँ पे तीन फाइल ओपन है, बुक वन बुक टू बुक थ्री, ठीक है, तो अगर हम एक्टिव वर्कबुक लगाएंगे तो वो नहीं सेव करेगा। देखिए एक्टिव वर्क एक्टिव वर्कबुक का कोड लगाएंगे। एक्टिव एक्टिव वर्क देखिए एक्टिव वर्क बुक जो है वो उसके लिए है जो हमें पता नहीं कौन सा फाइल खुला हुआ है। जैसे हुआ ना कि फाइल ऐड हुआ है, आई डोंट नो कि कौन सी फाइल ऐड हुई है, उसका नाम क्या है, बुक वन बुक थ्री बुक फोर बुक क्या ऐड हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता अच्छा है कि जो फाइल ऐड हुआ है वो एक्टिवेट है, ऐसे जो फाइल ओपन हुआ है वो एक्टिवेट है। समझ गए? अच्छा जब फाइल का नाम नहीं पता आपको, क्योंकि फाइल के साथ कुछ भी करने के लिए मेथड चाहिए, जैसे फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, क्लोज करना है, कुछ भी चाहिए, तो आपको इस मेथड के साथ गुजरना पड़ेगा कि वर्कबुक और बुक का नाम और विथ एक्सटेंशन, उसके बाद क्या करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, क्लोज करना है, एवरीथिंग। तो अगर आपको फाइल का नाम पता है तो इसका इस्तेमाल करें, अगर फाइल का नाम नहीं पता है तो लेकिन वो फाइल एक्टिव है तो ऊपर वाली चीजों का इस्तेमाल करें। ठीक है। समझ गए? हाँ हाँ, आगे बढ़िए। अब यहां पे मान लीजिए मुझे फाइल को ओपन करना है, कोई पर्टिकुलर कोई एक्टिव फाइल को जस्ट सेव करना है, या किसी फाइल को सेव करना है, जस्ट सेव है तो डिफरेंट नाम हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मान लीजिए कि इसको सेव करना है तो सेव, फाइल का नाम पता है तो, नाम नहीं पता लेकिन इतना पता है कि फाइल एक्टिवेट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव
workbook dot save, right? ऐसी फाइल ओपन करनी है कोई ऑलरेडी सेव्ड फाइल बुक्स डॉट ओपन, और यहां पे किस फाइल को ओपन करना है उसका पाथ दे दीजिए. राइट. ओपन, लेकिन अगर ओपन करेंगे, अच्छा पाथ दे देंगे, लेकिन वो मेरे को डायलॉग बॉक्स चाहिए, तो जैसे वो पूछे कि ओपन कहाँ से क्या करना है करके, तो नॉन तो वीवी के जरूरत क्या है, जल्दी आप सेलेक्ट कर लीजिए. वीवी इससे करेगी ऑटोमेटिक आपका फाइल ओपन कर दे, इसलिए तो इसका यूज़ कर रहे हैं. समझ गए? तो ये आपका हो गया. अगर आपको चाहिए तो फिर वीवी का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, आपके पास ऑप्शन तो है ही, यहाँ से ओपन कर लीजिए डायलॉग बॉक्स डाल के. हाँ, तो जैसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन करने का पूछता है ना, वो वीबीए में हम लोग कमांड कोड कैसे डालेंगे जो डायलॉग बॉक्स, उसके लिए अलग है, वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे. उसके लिए गेट ओपन फाइल मेथड करके कराना पड़ता है, अच्छा से लर्निंग होगा, ये समझ में नहीं आएगा. ओके, वो आगे सीखेंगे. ठीक है, तो वर्कबुक को हमने ओपन कर लिया. अब ओपन करते समय मान लीजिए फाइल में अगर पासवर्ड हुआ तो यहाँ पे देखिए फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, और उसके बाद हम रीड ओनली करते चले जाइए फॉर्मेट पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए अगर फाइल में पासवर्ड है तो. ठीक है एक मिनट. ओपन करने के बाद अब बात करते हैं, जब ओपन किया तो क्लोज करना पड़ेगा. तो क्लोज करने के लिए दो तरीके हैं कि वर्क बुक्स, अगर फाइल का नाम पता हो तो आप उस फाइल का नाम डाल दें कि 123.xlsx और डॉट क्लोज. ठीक है, देखिए ध्यान रखिए क्लोज, जब भी हम कोई फाइल को क्लोज करते हैं तो हमसे पूछता है कि डू वांट टू सेव चेंज, अगर मुझे इस पे क्लिक करना है सेव पे क्लिक करना है तो यहाँ पे मैं इक्वल दूंगा ट्रू, राइट, अगर नहीं करना है तो फॉल्स. ठीक है, और अगर आपके फाइल का नेम नहीं पता वो एक्टिव वर्कबुक है तो ये भी लिख दीजिए आप एक्टिव वर्क बुक्स डॉट क्लोज, बुक्स नहीं होगा बुक होगा सिर्फ. ठीक है, एंड ट्रू फॉल्स डालना है तो ट्रू फॉल्स भी डाल दीजिए. एक्टिव वर्क तो यहाँ हो गया, वर्कबुक को क्लोज करना है. हमने वर्कबुक को क्रिएट करना सीखा, सेव और सेव ऐड करना सीखा, हमने वर्कबुक को ओपन करना सीखा और वर्कबुक को हमने क्लोज करना सीखा, राइट? उसके बाद बात करते हैं वर्कबुक के ऊपर पासवर्ड डालना. तो मैं यहाँ पे लिखा कि एक्टिव, आपको ये पता चल गया ना कि वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक कब यूज करेंगे? जब फाइल का नाम पता नहीं होगा एक्टिव वर्कबुक. हाँ, फाइल का नाम पता नहीं होगा और वर्कबुक ओपन होगी एक्टिवेट होगी तो एक्टिव वर्कबुक. ओके, ठीक है ना. और फाइल का नाम पता है तो ये डालेंगे. हाँ, एंड देन एक्टिव वर्क बुक्स बुक डॉट प्रोटेक्ट, और हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया. मतलब कि ए रिव्यू के अंदर जाके जो प्रोटेक्ट शीट होती है, प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, इसको अलाउ करता है. इसको करने के बाद आपको ना कोई सीट ऐड कर सकते हैं, ना सीट डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, पूरा आपका स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है. प्रोटेक्टेड होता है.
आपको आप बस अनप्रोटेक्ट करना है तो आप यही भी लिख सकते हैं एक्टिव वर्क ग्रुप डॉट अनप्रोटेक्ट और आप पासवर्ड डाल दीजिए। दूसरा होता है ओपनिंग पासवर्ड, मैं चाहता हूं इसमें ओपनिंग पासवर्ड डालो, तो उस केस में क्या डालेंगे कि एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू जो पासवर्ड डालना चाहता डाले, ये आपकी वर्कबुक की ओपनिंग पासवर्ड डाल देंगे। मतलब कि जो आपके फाइल मेनू बार के अंदर न्यू इन्फो इन्फो के अंदर ये जो आपका होता है ना प्रोटेक्ट और इसमें जो होता है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसमें वो पासवर्ड डाल देता है। इससे क्या होता है कि फाइल आपकी बिना पासवर्ड की ओपन नहीं होता है। नहीं लेकिन ये अगर हम ओपन करेंगे तो डायरेक्टली पासवर्ड पूछेगा। हाँ ठीक है, अब एक चीज लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लगाएंगे वर्कबुक्स डॉट ओपन और जो पाथ है वो दे देंगे और फिर लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू 12। आपको पासवर्ड क्या आपको ओपन करना है कि पासवर्ड सेट करना है? ओपन करने के वक्त वो पासवर्ड पूछेगा ना। अब यहाँ हुआ ना, देखिए जब ओपन करेंगे आप तो यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन है ना, आप कॉमा कॉमा करके जाइए इस पे और पासवर्ड डालिए। अच्छा, अब ऐसे ध्यान नहीं दिया था, ओपन करते समय आपसे सब कुछ पूछता है ना। अच्छा तो यही हमारा यहाँ पे भी हो रहा है ना, एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू 12। नहीं 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 ये अलग हो गया, ये पासवर्ड सेट कर रहा है, ये पासवर्ड लगा रहा है और ये पासवर्ड जस्ट दे रहा है फाइल को ओपन करते समय। जैसे ये जो कोड हुआ, एक कोड आपका हुआ जब आप जाके एनक्रिप्ट विद पासवर्ड में जाके पासवर्ड लगा दिया आपने, ठीक है ना, इन्फो के अब पासवर्ड लगाने के बाद क्या होगा, जैसे पासवर्ड आपने 12 लगा दिया, अब पासवर्ड लगा पासवर्ड कंफर्म कर दिया, पासवर्ड लगाने के बाद क्या हुआ कि अब कोई भी बुक वन खोलने की कोशिश करेगा तो उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, समझ गए? तो वही है ना, तो ये अलग चीज हुआ ना मैम, ये तो पासवर्ड सेट कर रहा है ना, ये तो पासवर्ड तो डाल रहा है, इससे थोड़ी हो गया कि इसने पासवर्ड इसमें सेट कर दिया। हो सकता है कि पासवर्ड नहीं भी हो। ओपन करते समय अगर फाइल में पासवर्ड डली है तो आप पासवर्ड डाल सकते हो, समझ गए? अच्छा, अब इसमें जरूरी इसमें वही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड सेट करते समय डाला गया है। इसमें आप 14 कर 17 कर दोगे 17 तो नहीं होगा। और लेकिन यहाँ एक्टिव वर्कबुक में आप अपने हिसाब से जो पासवर्ड सेट करना चाहते हो वो सेट करो, जो यहाँ पासवर्ड सेट होगा वही यहाँ पे देना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ पे 54 सेट हुआ है तो 17 की जगह पे 54 देना पड़ेगा। ओके, समझ गए? ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि यहाँ पे मैंने इक्वल दिया हुआ है लेकिन इससे पहले किसी भी लाइन ऑफ कोड में हमने इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ इक्वल क्यों दिया? तो पहले समझिए कि जो लाइन ऑफ कोड होता है उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है ना उससे पार्ट ऑफ लाइन ऑफ कोड देखिए क्या होता है। देखिए लाइन ऑफ कोड होता है आपका जैसे कि वर्कबुक इट मींस ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहाँ पे क्या होना है ये ऑब्जेक्ट डिटेल, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं उसमें से कौन से ऑब्जेक्ट की और यहाँ पे क्या करना है, तो सेव एज करना है और सेव एज की डिटेल, मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिटेल एक्शन एक्शन डिटेल, यही हमारा प्रोग्रामिंग का लाइन का पार्ट है, राइट? तो ये जो एक्शन होता है इसको हम लोग मेंबर कहते हैं। ये जो मेंबर होता है ये दो तरह का होता है, पहला होता है मेथड, दूसरा होता है प्रॉपर्टी। सेव एज, सेव, क्लोज, ओपन, प्रोटेक्ट, अनप्रोटेक्ट, ये सब क्या है, मेथड है, और पासवर्ड क्या है, प्रॉपर्टी है। तो मेथड में हम स्पेस देके अपना लिख देते हैं और प्रॉपर्टी में हम इक्वल करके लिखते हैं। ओके, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मेथड या प्रॉपर्टी है, तो दो तरीके से, जब आप स्पेस डालोगे तो नीचे एक्सप्रेशन आएगा और आपके प्रॉपर्टी में एक्सप्रेशन नहीं आएगा, मेथड में आएगा प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, समझ गया? दूसरा,
जब आप डॉट करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसमें अनप्रोटेक्ट को सिलेक्ट किया तो इसमें ग्रीन कलर का बॉक्स का निशान आ रहा है आपको। ये मेथड है, इस पे स्पेस डालेगा और जहां नीचे हैंड का निशान आ रहा है ना, ये हैंड वाला, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है, इसमें इक्वल लगेगा। तो आप प्रॉपर्टी दो तरीके के होते हैं, एक रिसीव करने वाले होते हैं, एक गिवन करने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस फाइल का नाम नहीं पता, उस फाइल का नाम चाहिए, तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा या फिर एक लोकेशन लेना पड़ेगा कि रेंज a1.value इज इक्वल टू एक्टिव workbook.name। तो नेम भी एक प्रॉपर्टी है, तो ए रिसीव नहीं करता है, जस्ट गिव करता है, क्योंकि वर्कबुक का नाम हमें सेव एज करते समय दे सकते हैं, समझ गए। लेकिन अगर किसी वर्कबुक का नाम पता करना है तो वर्कबुक डॉट नेम कर दे, उस वर्कबुक का नाम जो है आ जाएगा। लेकिन इसको स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज होना चाहिए, चाहे वो स्टोरेज हो सकता है कोई रेंज हो या कोई वेरिएबल हो, जैसे xyz नेम हो गया, ऐसे इसका फुल नेम हो गया, ऐसे इसका पाथ हो गया, तो ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और दूसरा इंफॉर्मेशन गिव करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन गिव नहीं कर सकता, समझ गए। तो आप एक कोड में आपको भेज देता हूँ, वर्कबुक के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, नए नए वर्कबुक बनाने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कॉल करें, फिर कल की क्लास में हम रेंज के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन था यहाँ पे, वो जो हमने वर्कशीट किया था ना, उसमें ना मूव वाला कोड है ना हो नहीं रहा है, रन नहीं हो रहा है। मूव वाला कोड रन नहीं, क्या लिखा आपने कोड में? एक मिनट हो। बाकी सारे कोड है ना मेरे रन हो गए, लेकिन ये वाला कोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा है sheet4.move comma sheets फिर in bracket inverted comma sheet 4। आप स्क्रीन एक बार स्क्रीन को शेयर करें। अच्छा, शेयर करके ऑप्शन आया होगा। स्क्रीन एंड द शो करें शेयर नहीं दिख रहा आपको? हाँ दिखा, कहाँ बताइए, कहाँ पे दिक्कत है? ये वाला जो सब्जेक्ट में डीडी लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे फोर भी करती हूँ ना, मैंने सब ट्राई किया। एक मिनट, शीट डॉट मूव कॉमा शीट एट, एक मिनट, शीट एट, चलिए इसको रन कीजिए, तो क्या दिक्कत है? तो कुछ हो ही नहीं रहा है।
कैसे नहीं हो रहा है? आपका सीट एट मूव हो गया, जाकर देखिए ना आप, फाइल में जाकर देखिए, आपका सीट फोर जो था सीट एट के पास पे चला गया। अच्छा आफ्टर आ गया ना, हाँ हाँ सीट मूव करने का ऑप्शन यही होता है ना कि यहाँ से उठ के इधर आ गया। करेक्ट। एक मिनट है, वापस रन करो शीट फोर को। हाँ ठीक है, हो गया। पर ये एक प्रॉब्लम आ रहा था, दूसरे सब कोर्ट तो रन हो गए। हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है ना? नहीं प्रॉब्लम ठीक नहीं। है, देखते से वर्कबुक में प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम कल डिस्कस कर लेते हैं। ओके ठीक है, ओके, स्क्रीन को अनशेयर कर दीजिए, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।